अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद खावर है। तो पहले मेरे चैनल का नाम के एफ एक्स खावर एफ एक्सट्रीम था। तो अब मैंने जो रखा हुआ है वो है एसएमसी ट्रेड कंसेप्ट। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर जी एनालिसिस की बजाय आप हमें वीडियो दिया करें। तो मैं सोच रहा था कि गोल्ड की वैसे भी मैंने अपडेट देनी होती है, तो क्यों ना हम गोल्ड की वीडियो दे दें। तो चलें हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आप लोग वीडियो गौर से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी मेन की मिस्टेक होती है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको मज़ीद मॉडिफाई करूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो मैं वीडियोस दे दिया करूँगा, अगर एनालिसिस चाहिए तो वो मैं एनालिसिस दे दिया करूँगा। तो लेकिन मैं स्ट्रेटजी तो शो नहीं कर सकता गोल्ड की, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ की एक वीडियो शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो की एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस बनाता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, फिर मैं आप लोगों को जो कि सिंपल मार्केट है, स्मार्ट मनी और सप्लाई डिमांड और प्रोसेक्शन को यूज़ करके मैं आपको वो एनालिसिस दिया करूँगा, ठीक है, दो रोज़ का। तो अभी अगर हम देखते हैं गोल्ड को अपने लर्निंग के मुताबिक, तो गोल्ड स्टिल इसके वजह से जो बेसिकली पॉइंट खड़ा है, टर्निंग पॉइंट वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम इंट्राडे लुक की निगाह से देखते हैं ना, वो फिर इसको भी डाउन आना चाहिए, आज के दिन ही डाउन आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये इसका टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1900 तक जा सकता है गोल्ड। उसके बाद अगेन गोल्ड ने सेल लेना है। सेल में जो टारगेट है वो मैंने कल भी एनालिसिस आप लोगों को दिया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ज़बरदस्त वेरीफाइड ऑर्डर ब्लॉक है डेली के अंदर। तो यहाँ पे एफबीजी की जो उसने रिस्पेक्ट करनी थी वो कर ली है, ठीक है। जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट रिस्पेक्ट करती है वो कर चुकी है। अब इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला है, यानी कि यहाँ से पहले नहीं उठने वाला गोल्ड। ये है 1837-1840 ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीक में तो गोल्ड ने सेल ही आना है। तो हालांकि दुनिया कुछ बाय कह रही है, कुछ सेल कह रही है, लेकिन जो मेरी लर्निंग है, मेरी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक उसके नए सेल आना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इंट्राडे लुक के मुताबिक, इंट्राडे में हमारे साथ क्या गोल्ड करेगा, ठीक है। तो देखिए मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा, मैं बात को लंबा नहीं करूँगा और मैं इतने ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग फोकस करेंगे, मैं इंट्री भी दूँगा, एसएल भी दूँगा, हर चीज़ दूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम देखा जाए तो अभी इस वक्त गोल्ड ने सेल की पोजीशन दे दी है, अभी हम इसको सेल कर सकते हैं। अब ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, यहाँ पे एक हिडन पॉइंट था तो वो हमें मिल चुका है। अभी यहीं से हम सेल करेंगे और एक मैं सेल करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये मेरे दो सेल हैं, दो ट्रेड्स लूँगा आज। तो बाकी जो गोल्ड की स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करूँगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन अभी जो इंट्राडे की मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक मेरी एक एंट्री बन रही है जो कि पावरफुल है, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग भी सेल कर सकते हो। जब आप लोग वीडियो देखोगे तो मार्केट उम्मीद है कि इधर ही होगी, ठीक है। और इसका जो मेरा टारगेट रहेगा आज के मुताबिक, जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये वाला है, यानी कि 1880 ये वाला मेरा टारगेट है, ठीक है। ये वाला मेरा आज का टारगेट है, इंट्राडे के मुताबिक मेरा यही टारगेट है, ठीक है। हाँ, जब ये बुलिश में मूव ये कन्वर्ट करेगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आज के मुताबिक भी ये सेल ही है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं काफ़ी दिनों से इसको सेल ही करवा रहा था, ठीक है। हाँ, एक दिन मैंने इसको बाय करवाया, वो यहाँ से करवाया, वो यहाँ पर इसका ऑर्डर फॉर पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, इसलिए मैंने इसको बाय करवा दिया था इस एरिए तक, ठीक है। अगर आप H4 में जाएँ तो मैंने आप लोगों को चाहा था, इसका मैंने व्यू दिया था, ये वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक था तो मैंने इसको सेल करवा दिया। और आप लोगों ने नोट किया होगा जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, यानी कि जो मैं फाइंड करता हूँ, वो वेरी पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये मेहनत करने से आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं।
तो आप लोग ट्राई करें, आप लोग स्लो स्लो लर्निंग करते जाएं साथ में स्ट्रेटजी की। तो लेकिन मैं इधर अपनी ओरिजिनल गोल्ड की स्ट्रेटजी तो शो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैं प्रोसेक्शन को भी शो करूंगा, स्मार्ट मनी को भी शो करूंगा, सप्लाई डिमांड को भी शो करूंगा। लेकिन जो चीज़ें मैं शेयर करूंगा, ये शो करूंगा, वो वेरी पावरफुल होंगे, ठीक है। तो सो बेस्ट ऑफ लक, आज की हमारी वीडियो इतनी है। गोल्ड को हम अभी सेल कर सकते हैं, इसके जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम ये रखेंगे 1897 वाला, यहाँ से 10 पे ऊपर रख सकते हैं, सही है। तो वैसे जो इसका ओरिजिनल एसएल बनता है वो ये वाला बनता है, यानी कि कोई बंदा 100 पे का बनता है, लेकिन हम वो नहीं रखेंगे, ठीक है, हम यही रखेंगे। इसका एक फ़ायदा और है, अगर हम मार्केट ऊपर जाती है, सपोज अगर जाती है, तो क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जिनमें रोज़ की यूट्यूब की वीडियो देते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस सही नहीं बताते, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ से सेल कर लेना, यहाँ से बाय कर लेना, यहाँ से फ्लॉप कर लेना, यहाँ से फ्लॉप कर लेना, ठीक है। वो वाला सीन नहीं है, हमने मुकम्मल ओरिजिनल इसकी अपडेट देनी होती है, ठीक है। तो जब हम एसएल नहीं देंगे तो मार्केट में हमारा मार्केट में क्या एक्सपीरियंस है, तो इन चीज़ों को ज़रा नोट कीजिएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा स्टॉप लॉस देता है उसको यूज़ करें, उसको फॉलो करें, अदरवाइज जो स्टॉप लॉस नहीं मिल रहे तब उनको फॉलो ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है गोल्ड की, अगर हम इसको डीपली नोट करते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये एसएल हिट करता है, सपोज़ अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो ये आपने एसएल लेना है, एसएल लाजमी लगाना है ये आपने, ठीक है। तो फिर गोल्ड जाएगा यहाँ तक, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि 1900 तक मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि वीक का अगर मैं रीट्रेस देखता हूँ, रिवर्सल पॉइंट देखता हूँ, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। H4 के अंदर अगर लोग चेक करें ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ से एसेलेट होता है, तो यहाँ से फिर हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगी, फिर मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी लगाई हुई है एंट्री, आप लोग भी लगाएंगे। तो 1899 से हम इसको सेल करेंगे, तो इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1905 रखेंगे, ठीक है। और इसका भी जो टीपी रखेंगे वो ये सेम रखेंगे जो 1880 है, लेकिन इसका ओवरऑल जो स्विंग इसका टारगेट है वो हमारा है 1840, ठीक है, जो कि इसी मंथ के अंदर, आज 20 तारीख है, तो इसी मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये टारगेट डन करेगा, ठीक है जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं यूट्यूब की वीडियो दिया करूँ रोज़ की गोल्ड के ऊपर, या फिर एनालिसिस दिया करूँ। अगर एनालिसिस चाहिए तो एनालिसिस दे दिया करूँगा, अगर यूट्यूब की वीडियो चाहिए तो मैं यूट्यूब की वीडियो दे दिया करूँगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।